दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों जो एनआईएस का डीएलएड के लिए जो WBA है, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी है, उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई जगहों पर WBA की क्लासेस भी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि WBA जो होगा वो आपको अगर आपके 15 दिन के क्लास के अंदर नहीं हुआ है तो अलग से वो 12 दिन शेड्यूल करके WBA का क्लास करवाया जाएगा। वो आपका स्टडी सेंटर के 15 दिन के PCP क्लासेस से अलग है, वो आपका करवाया ही करवाया जाएगा, चाहे वो एग्जाम से पहले करवाया जाए या एग्जाम के बाद, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के पहले या बाद करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर कई जगहों पर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। हम यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके सेंटर पर WBA शुरू हो गया है? अगर शुरू हो गया है तो अभी किस कंडीशन में है और किस प्रकार से WBA हो रहा है? यहाँ पर एक न्यूज लेकर इसके लिए हम आपके बीच आए हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि NIS द्वारा RTE अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के डीएलएड प्रशिक्षण के तहत विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल से शुरू कार्यशाला को नगर के विभिन्न सेंटरों के प्रभारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि WBA शेड्यूल तो कर दिया गया है लेकिन उसे वहाँ पर सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से जारी कार्यशाला के समय में भी प्रशिक्षण प्रभारी प्रशिक्षक वो प्रशिक्षु शिक्षक अपना समन्वय बनाकर सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होने वाली 6 घंटे की कार्यशाला को महज 2 से 3 घंटे में संचालित कर औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। आप जरूर यहां पर बताइए कि क्या आपके सेंटर पर WBA सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो एक मेजर पार्ट है और उसमें कहीं ना कहीं अगर आपका कोर्स अच्छे से नहीं करवाया जाता है तो फिर उसी सब एवज में पैसे की डिमांड की जाती है आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। तो ये आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें कि आपके सेंटर पर जो आगे WBA अगर शुरू होगा भी, अगर अभी तक नहीं हुआ है मान लीजिए, तो वहां पर सही तरीके से WBA हो। जवाबदारों द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में लापरवाही बरतने से शासन के डीएलएड कोर्स की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि मंगलवार को अप्रशिक्षित शिक्षकों की कार्यशाला के तीसरे दिन जब भास्कर टीम 11:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट स्कूल पहुंची तो 2 कक्षाओं में प्रशिक्षु को प्रशिक्षक व्याख्याता जानकारी दे रहे थे। इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में भी समय पर ही कार्यशाला शुरू हो गई। दोपहर 2 बजे मोती कस्तूरी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षक आना शुरू हुए। प्रशिक्षुओं से चर्चा तो की गई तो उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में उनके द्वारा अध्यापन कराया जाता है वहां के समय अनुसार उन्होंने प्रशिक्षुओं के साथ समन्वय बनाकर दोपहर के बाद ही कार्यशाला लगाना तय किया है। कुछ प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षकों द्वारा ही उन्हें 2 बजे बाद कार्यशाला होने का की बात वहां पर बताई जा रही है। प्रशिक्षण देने वाले कृतेश शर्मा ने भास्कर को बताया कि कार्यशाला में आने वाले प्रशिक्षुओं के स्कूल के प्राचार्य की समस्या है कि समय पर उनके स्कूल का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण प्रशिक्षुओं के मुताबिक उनका समय प्राचार्य बिना बोले द्वारा बदल दिया गया है। तो मतलब कि उसके कारण से स्कूल भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पहले ये टारगेट में नहीं था और 15 दिन का PCP क्लासेस ही बस टारगेट में था, तो अब ये जो अलग से आई है जिसके कारण से कि शिक्षकों का स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है अपने स्कूल में, तो उस कारण से यहाँ पर जो है प्रशिक्षण अलग समय से यहाँ पर कराई जा रही है और बहुत कम समय में ही कंप्लीट कर दी जा रही है। दोपहर 2:15 बजे सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यशाला समाप्त हो चुकी थी। प्रशिक्षक से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशिक्षु कम आए थे और आज उन्हें जानकारी देकर छुट्टी दे दी गई। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की कार्यशाला का समय 11 बजे बात करने और मंगलवार को अधूरी रही कार्यशाला के समय की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। इसके बाद भास्कर टीम शासकीय कन्या उच्च विद्यालय पहुंची तो यहाँ 5 प्रशिक्षु प्राचार्य को के कक्ष में उपस्थित थे। प्रशिक्षुओं ने कार्यशाला के समय के बारे में बताया कि उन्हें प्रशिक्षक द्वारा दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है लेकिन यहां केवल 5 ही प्रशिक्षु आए हैं। भास्कर टीम द्वारा जानकारी लेने के दौरान प्राचार्य द्वारा आनन फानन कार्यशाला में कक्ष का ताला खुलवाकर प्रशिक्षुओं को बैठाया गया। तो जब यहां पर मीडिया टीम पहुंची तो वहां पर ताला खुलवाकर प्रशिक्षुओं को बैठाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों की समस्या के कारण प्रशिक्षुओं को दोपहर 1:30 बजे का समय दिया गया है। तो मेनली यहां पर जो बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके सेंटर पर अगर प्रशिक्षण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल यहां पर ध्यान दें
क्योंकि अगर आपका प्रशिक्षण नहीं होगा, मतलब WBA क्लासेस अगर आपका नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसी के एवज में फिर से आपसे घूसखोरी मांगी जाएगी और आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। अगर आपका प्रशिक्षण सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो अच्छा है, और वहां पर आपको उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहेगा या कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे कि आपसे वो पैसे की डिमांड करें। तो WBA जरूर आप लोग कंप्लीट करें, वही वो मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी उसका भी जितना मार्क्स है वो मार्क्स आपका टोटल में जुटेगा, तो इस पर बिल्कुल ध्यान दें। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपका WBA शुरू हुआ है, हुआ है तो कैसा चल रहा है, अगर नहीं शुरू हुआ है तो आने वाले समय में, जैसा कि हमने सुबह के न्यूज़ में बताया था कि बहुत जगहों पर दो पैटर्न में, दो अवधि में यहाँ पर WBA शुरू की जा रही है, तो वो आपका एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद भी हो सकता है, तो फिर WBA उस हिसाब से आप अपना करेंगे और आपका उसमें मार्क्स चलेगा। तो दोस्तों यही अपडेट इस वीडियो में हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ जो वीडियो, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कमेंट उसके बाद, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।